हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे Redmi K20 Pro के ऊपर लेटेस्ट अभी XROG के स्टेबल अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है। एंड काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आए थे इस रोम के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे रिव्यू आ चुका है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, एंड्रॉयड 12 बेस्ड रोम है, तो आपको रिकवरी को पहले चेंज करना होगा। उसको कैसे करना है उसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया, बट मेरे को भी इसको फ्लैश करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। रिकवरी फ्लैश करने के बाद रिकवरी मैंने डाउनग्रेड करने की कोशिश की तो फास्ट बूट मोड के ऊपर स्टक हो गया। तो उसके बाद बजेगर ऐप वगैरह से मैंने आप इसको फिक्स किया। तो आप जो है सेपरेटली आप बोल सकते हो कि पीसी के थ्रू या फिर बजेगर ऐप से पहले जो है रिकवरी को डाउनग्रेड करना, उसके बाद फ्लैश करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर से कर सकते हो। सबसे पहले आ जाता है अभी XROG का अबाउट फोन सेक्शन, जो कि आप चेक कर सकते हो। ये 12.5.6 वर्जन है, जो कि अभी जस्ट रिलीज हुआ था चाइना के अंदर। देन Xiaomi.eu का अपडेट आया था, दोनों के ऊपर वीडियो मैंने डाली थी। और ये इनहेंस्ड एडिशन यहाँ पे लिखा है, बट वो वाला अपडेट कोई इनहेंस्ड वगैरह नहीं था। इनहेंस्ड की जो लिस्ट है वो अभी आई थी, जस्ट मैंने उसके ऊपर भी आपको वीडियो दी थी। तो अभी जो है इसके बाद जो अपडेट आएगा वो इनहेंस्ड एडिशन का आएगा, बट ये वाला अपडेट कोई इनहेंस्ड एडिशन का आपको नहीं मिलता। ऑल स्पेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पे मर्ज्ड है, उसके बाद जो है एंड्रॉयड 11 मिल जाता है और पर्व का कर्नल, सभी चीजें यहाँ पे सेम चाइना वाली ही देखने को मिल जाती हैं अकॉर्डिंग टू अबाउट फोन सेक्शन। और अगर आप यहाँ पे कोई चीज न्यू देखना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। ये आप बोल सकते हो ये आपको मिल जाती है चाइना रोम से पोर्टेड, या फिर आप बोल सकते हो चाइना का एक पोर्ट मिलता है जो कि काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। और यहाँ पे स्पेशल फीचर के अंदर भी देख सकते हो सभी चाइनीज फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन लैब वगैरह का भी ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो ये सब फीचर्स हैं जो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इनको चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे, जनरल चीजें हैं वो चेक करवा देता हूँ। डिवाइस आपका यहाँ पर नॉट सर्टिफाइड है, आपको रूट करना पड़ेगा अगर आप बैंकिंग एप्स यूज करना चाहते हो। और F2FS का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसके बाद DRM इन्फो के अंदर वाइड 1 L1 भी आपका प्रेजेंट है। कैमरा की बात कर लेंगे तो यहाँ पर कैमरा है ना वो कुछ इस तरीके से सेम वही कैमरा मिल जाता है। एंड वीडियोस आप अप टू 4K 60fps तक यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो और पोर्ट्रेट मोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे वर्किंग है। मोर के अंदर वही सब फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो ये कैमरा ट्राई कर सकते हो या फिर Gcam आप ट्राई कर सकते हो। अब स्मूथनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐप ओपनिंग या फिर क्लोजिंग स्पीड आप चेक कर सकते हो, कुछ ऐसी स्पीड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। थोड़ा रैम मैनेजमेंट भी चेक कर लेंगे, जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है ना वो काफी स्मूथ आपको देखने को मिल जाते हैं। इंस्टेंट तो आपको स्पीड देखने के लिए नहीं मिलती क्योंकि ये MIUI है एंड MIUI के अंदर एनिमेशंस काफी स्लो देखने को मिलते हैं, बट जो एनिमेशंस है ना ये काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। जो लॉन्चर है वो MIUI 13 लेआउट के साथ आपको मिल जाता है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। बट उससे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे सुपर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है इस रोम के ऊपर। एंड कोई रैम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपको इश्यू वगैरह नहीं आने वाला। इवन कैमरा भी मैंने ओपन कर रखा है, सो मैंने यहाँ पे लिटरली कोई भी लैग वगैरह UI के अंदर तो स्पेशली नहीं फेस किया, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इतने ऐप्स ओपन करने के बाद यहाँ पे 3GB जो है अवेलेबल शो कर रहा है, बट ये एक टाइप से फेक होता है। ये ऑलमोस्ट होगा 2GB के आसपास, बट फिर भी यहाँ पे जो रैम मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा एक्सीलेंट आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ अब आते हैं यहाँ पे इसके लॉन्चर के लेआउट के ऊपर। तो देखोगे यहाँ पे विजेट्स का सेक्शन कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। ये वाला लेआउट अभी अपडेट हो यहाँ पे आपको MIUI 13 की और मिल जाती है, वो है यहाँ पर बैटरी। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है परफॉर्मेंस मोड, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। गेमिंग के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है या फिर नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। बट जो बैटरी बैकअप है ना इस रोम के ऊपर वो काफी एक्सीलेंट है। मैं कल रात से यूज कर रहा हूँ इसको एंड गेमिंग मैंने काफी ज्यादा ट्राई करके देख लिया। उसके बाद रोलिंग टेस्ट Geekbench 5 नॉर्मली यूज करके देख लिया, कोई भी ऐसे मेजर बैटरी ड्रेन का इशू वगैरह नहीं आया। काफी अच्छा बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हो इसकी चार्जिंग स्पीड तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सो ये देख सकते हो ये इसकी चार्जिंग स्पीड है, कोई भी चार्जिंग के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, फास्ट चार्जिंग वर्किंग है। एंड सेटिंग के ऊपर आते हैं और एक चीज और दिखा देता हूँ। लॉन्चर के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है जो है इसका आप बोल सकते हो एवोल्ट वाला -1 स्क्रीन। यहाँ पे गूगल डिस्कवर जरूर मिलता है बट ये वर्क नहीं करता, यहाँ पे आपको जो है एवोल्ट ही देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपका गूगल ऐप है ना वो इंस्टॉल्ड आपको नहीं मिलता, तो उसकी वजह से मैं भी हो सकता है वो मिसिंग है। तो देख सकते हो इतने ऐप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि आप अभी यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो। नेक्स्ट आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर 90fps का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और वैसे तो ये यूजलेस है। अगर आप मेरिसा कर्नल वगैरह इंस्टॉल करते हो तो ये काम की चीज है, अदरवाइज
अदरवाइज ये हमारे लिए यूज। अभी परफॉर्मेंस वाले पार्ट के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ चेक करवा देता हूँ और सिक्योरिटी के अंदर गेम टर्बो के अंदर इसको ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड के ऊपर मैंने इसको सेटअप किया है। जो सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ है इसके अंदर बिल्कुल भी सीपीयू थ्रॉटल नहीं करता। मैक्सिमम जीआईपीएस आपको मिलते हैं 1,93,000 के आसपास, जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं। और अब आते हैं इसके Geekbench 5 के स्कोर के ऊपर, तो ये देख सकते हो ये आपको स्कोर मिलता है। इसको मैं जूम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ये शो नहीं करता, तो एक ये बग टाइप आपको देखने को मिल जाती है। और 729 सिंगल कोर और 2797 के आसपास, यानी कि 2800 के आसपास आपको जो है मल्टी कोर स्कोर मिल जाता है Geekbench 5 के ऊपर, जो कि काफी अच्छा है वैसे तो F2FS के साथ में। और अब आते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर, तो अगर आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेमिंग देखोगे ना, तो आपको उतने ज्यादा अच्छी जो है देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेमिंग करना चाहते हो तो उतना ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको गेमिंग के अंदर नहीं मिलने वाला जितना AOSP वगैरह के ऊपर मिलता है। हालांकि रोम काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, बट हाँ कोई ऐसी दिक्कत वगैरह ज्यादा आपको नहीं आने वाली। बट अगर आप यहाँ पे चाहते हो एक हार्डकोर लेवल की गेमिंग रोम जिसके ऊपर आप यहाँ पे जो ना विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे गेमिंग करना चाहते हो, तो ये रोम आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। मैं आपको ये रोम रिकमेंड करता हूँ, अगर आप गेमर हो तो इसको जरूर से ट्राई कर सकते हो, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस होता है। अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं करते, रिकॉर्डिंग के साथ थोड़ा सा मेरे को इशू लगा है, फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं समटाइम्स, तो इसका ध्यान रखना। कोई टच के रिगार्डिंग इशू नहीं आया, कोई यहां पर जो है हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे, परफॉर्मेंस मोड जो कि मैंने आपको बताया था वो आपका यहां पे वर्किंग तो नहीं रहता, वैसे कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर आप गेमिंग के अंदर ट्राई करोगे ना परफॉर्मेंस मोड जो बैटरी वाला है, तो गेमिंग के अंदर मेरे को तो कोई ज्यादा ऐसे इंपैक्ट नहीं मिला। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली बेंचमार्किंग वगैरह के ऊपर ट्राई करके देख सकते हो। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।